सो गाइस व्हाट्सअप, वीडियो बनाना तो बनता है आप लोगों के लिए। ये नाइकी का मेरा शू आ चुका है जो मैंने एक्सचेंज कराना था। एक्चुअली बहुत पहले का रिटर्न एक्सचेंज डाला हुआ था मैंने, तो अभी भी आया है। तो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि वो मेरा रिटर्न नहीं ले रहा था। वो कह रहा था कि नहीं ले रहा था, मतलब वो कह रहा था कि भाई थोड़ा सा डैमेज ये चिप पिचका हुआ है तो अंदर से क्या हो गया। मैंने कहा क्या होगा, क्या क्या मतलब होता है ब्रो। आई पेड इट्स अ 6,000 रुपीज़ शू, इट्स अ नाइकी शू ब्रांड है। ऐसे थोड़ी ना आप पिचकावा दे दोगे। फिर दूसरा शू पिचकावा नहीं था तो ऑब्वियसली यार अजीब सा लगता है ना। ऑब्वियसली इफ यू वेइंग 10,000 रुपीज़ का आप जियोक्स पहन के घूम रहे हो, आप वो कोलहन पहन के घूम रहे हो, पिचकावा शू है तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे यार मतलब कि मैं पे कर रहा हूँ, तुम लोग कंपनी दावा कर रही है कि इट्स ओरिजिनल शूज़, आपको मतलब 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा रहता है। लेट्स अनबॉक्स दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट्स व्हाट आई हेट द मोस्ट, बट लकी मी हो गया एक्सचेंज। ऑल्सो गाइस मैंने ये शू भी खरीदा था, इसकी कीमत भी अराउंड 5,000 रुपये की कीमत है शू की। यार आप देखो यहाँ पे देखो, अब मेरे को गुस्सा इस बात में आता है कि कार्लटन लंडन का ब्रोक्स है, वाइट लेदर ब्रोक्स, जब ये शू इन्होंने इस डब्बे में क्यों भेजा। आई मीन नाइकी का शू है, नाइकी के ब्रांड के बॉक्स में भेजो ना, महंगा शू है, इतना महंगा शू है आपने क्यों फालतू डब्बे में भेजा है। और ये ऐसा लग रहा है काट के चिपका रखा है पीस को। सो ये भी बहुत गलत बात होती है यार, कस्टमर इंप्रेशन ख़राब होते हैं। तो लेट्स अनबॉक्स दिस वन। डब्बे की हालत देखो, लिटरली हेट दिस थिंग। और पुलिस इसके अंदर ना निकले बिल बिल रखो भाड़ में। और पुलिस के अंदर पीस एकदम, क्या हालत करीब है भैया डिलीवरी की ना, माँ बहन कर रखी है। होपफुली ये इसमें अच्छे जूते हों, इसमें कोई डिफेक्टिव पीस ना हो। गुड, दिस इज़ टोटली डिफरेंट यार। हाँ इट्स गुड, इट्स गुड। लेट्स चेक द सेकेंड वन। हाँ इट्स गुड, आई एम हैप्पी। बट लेट्स थोड़ा मैं इसको भी वीडियो पॉज करके अच्छे से चेक करता हूँ, फिर आपको दोबारा रिव्यू देता हूँ। आई थिंक दीज आर ओरिजिनल, बिकॉज मैंने जो पहले वाले बाइक किए थे वो थोड़े अलग ही थे यार। आई मीन दिस इज़ टोटली डिफरेंट, थोड़ा मुझे इनका थोड़ा अलग ही फील आ रहा है पकड़ने पे। लिटरली अलग फील आ रहा है, लिटरली उनका अलग फील है। तो लेट्स करता हूँ उसको बाद में अनबॉक्सिंग। तो डिफेक्ट इनमें कुछ डिफेक्ट नहीं है, बट ना उसको जब मैं होल्ड कर रहा था ना शू को, उसको होल्ड करने में अलग ही फील आ रही थी, इसको होल्ड करने में अलग ही फील आ रही है। आई डोंट नो वो है। अभी मैंने इसको शू को टैप करके दिखाया था ना आपको, उस पिछले वाली वीडियो में देखो जब मैं टैप कर रहा हूँ कैसी आवाज़ आ रही है। आई थिंक दिस सोल इज़ बिट मोर सॉफ्टर, उससे ज़्यादा सॉफ्ट सोल है ये वाला। आई थिंक वो फेक थे, दैट्स व्हाट आई थिंक। सोल से मेरे को देखो, क्योंकि सोल टॉप का मेन क्वालिटी होती है ना, ये क्वालिटी से मेरे को पता लग रहा है। उस वाली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में देखो जब मैं नॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल अलग जूते थे ये वाले। इनका डब्बा भी बहुत, यार यहाँ से तो हर डब्बा फटा रहता है, इतना तो मैंने देख नोटिस कर लिया है। बट स्टिल दिस इज बिट डिफरेंट यार, इट फील्स डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई बट इट फील्स डिफरेंट। इसको होल्ड कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज मच मोर, इसको बोलते हैं ना वो, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, टाइट से एकदम, ये काफ़ी फ्लफी से। इनमें देख के लग रहा है कि हाँ इट्स नॉट दैट टाइट, अंदर से काफ़ी फ्लफी से हैं, बट इट्स गुड, इट्स गुड। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ गुड, परफॉर्मेशन इज़ गुड, लेसेस आर गुड, डैमेज नहीं है, गंदी हो रखी है थोड़ी बहुत, बट स्टिल ओके। यहाँ पे नाइकी लोगो इज़ गुड, बैक साइड नाइकी लोगो गुड, सोल इज़ ऑल्सो गुड। वो यहाँ पे से मेरे को अगर प्रेस कर रहा था ना जो मेरे पहले वाले थे, वो यहाँ पे से कुछ ज़्यादा ही कंप्रेस हो रहा था, ये इतना कंप्रेस नहीं हो रहा है। इनका सोल भी थोड़ा अजीब से साउंड कर रहा है यार, उनकी साउंड अलग थी, इनकी साउंड अलग है। आई थिंक ये वाले ओरिजिनल्स है, वो वाले फेक थे। अंदर भी सही है, मैंने नहीं है किसी ने, इट्स गुड ओवरऑल, द प्रोडक्ट इज़ गुड, पैकेजिंग इज द नॉट, आई वोंट से वर्स्ट, आई विल गिव इट अ रेटिंग ऑफ 10 में से 7, 6, 6, थोड़ा बहुत तो अजीम होता है, बट सिर्फ 6, 6 की रेटिंग, 6, 7 की रेटिंग। शू आई विल गिव 10 में से रेटिंग 8, बाकी पहनने के बाद ही पता लगेगा कैसे क्या है। बट स्टिल दिस वन इज़ फील अ बिट डिफरेंट। ऑब्वियसली जब अभी शू खरीदो, ऑनलाइन शू खरीदो, ऑब्वियसली आप ना दो पेयर मंगाओ, फिर एक को आप रिटर्न करा दो। कभी भी अगर महंगे शूज़ बाय कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन दो पेयर मंगाओ और फिर एक को रिटर्न कराओ, ताकि आप कंपेयर कर सको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कभी कभी डिफेक्टेड प्रोडक्ट आ जाता है यार छोटा मोटा, और छोटा सा भी डिफेक्ट ना रिटर्न कराओ, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप पेइंग अ हायर प्राइस, इतना महंगा प्राइस पे कर रहा हो, सो यू हैव टू रिटर्न द शू अगर डैमेज आता है तो। और इट लुक्स बिट डिफरेंट टू मी, आई डोंट नो व्हाई। द ओल्ड वंस वर ग्रेट, पुराने वाले बहुत अच्छे थे, ये वाले थोड़े अजीब से हैं, आई डोंट नो व्हाई यार। आई मीन आई चेक आउट द वीडियो अगेन, बट स्टिल सब्सक्राइब टू द चैनल, इस पैकेजिंग में आया था। एंड आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन पीस।